ग्वालियर पुलिस ने डिस्को क्लब संचालक पर फायरिंग करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बंदूक भी जब्त की है। दरअसल पूरा मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का है, जहां सिटी सेंटर स्थित हरियाणा डिस्को क्लब में 3 युवक एक युवती के साथ पहुंचे थे, लेकिन डिस्को संचालक और कर्मचारियों ने युवकों को एंट्री देने से मना कर दिया था, जिसके बाद क्लब में एंट्री नहीं मिलने से बौखलाए युवकों ने क्लब संचालक पर फायरिंग कर दी थी। इस दौरान कर्मचारी और संचालक ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई थी, जिसके बाद संचालक ने लोगों की मदद से 3 युवकों को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सिटी सेंटर पर वहां पर आपस में कुछ लोगों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और हवाई फायर की सूचना थी, तो इस पर हमने संज्ञान लिया और टाइमिंग। इसमें 3 आरोपी हैं और कैफे में एंट्री ना देने को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था। वहाँ के जो भी एंट्री दे रहे होंगे उन लोगों, उनके ऊपर FIR कर ली गई है, जिसमें आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है और जो IPC की अन्य धाराएं हैं उनमें कार्रवाई।